और दो भाई या तो और नुगो का एक दो चीज मजाक मजाक का मैच ही हुई इनने मेरी ऐसी मट्टी घुट दी पूरी कृपा होगी भाई। देखो हमने ले ली अपनी नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। 17.5 लाख रुपए भाई उस गाड़ी के ऊपर लग रहा, 1% भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रही थी कहीं से भी, ना ही उसका गेयरबॉक्स बढ़िया था और गाड़ी के अंदर अलग अलग तरीके की दिक्कतें थी। तो चलो उस गाड़ी को भाई अपनी लिस्ट से निकालते हैं बाहर। अब भाई कह रहा है कि भाई हाई राइडर की लेके आते टेस्ट ड्राइव, वो मेरे को गाड़ी ज्यादा पसंद है। मैंने तो कहा था कि भाई अपना वो भी ले सकते हैं अपनी ग्रैंड विटारा वगैरह, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं भाई टोयोटा पे जाएंगे, टोयोटा ज्यादा बढ़िया है, उसका एक अलग लेवल का नाम है ये सारी चीजें। तो अब दो भाई हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, अब इनके साथ जा रहे हम हाई राइडर की टेस्ट ड्राइव लेने। अब सीधा गाड़ी चलाते हुए मिलते हैं आपसे। कोई किसी भी वेरिएंट में नहीं आती, किसी में भी नहीं आती। चाबी गाइस की मेरे पास है, आप ठीक है, इंजन ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है। यही तो खास बात है, ये भी की पता नहीं चल रहा। हां वेंटिलेटेड सीट्स बोथ साइड, बोथ साइड। कहां से आगे निकल रहे हैं? आगे से ओवरऑल ये आपका मैकेनिज्म रहेगा जहाँ पे शो करेगा कहाँ पे आपकी गाड़ी बैटरी पे ड्राइव हो रही है। अभी ये बैटरी पे चल रही है, बैटरी पे पावर गाड़ी जो मूव कर रही है वो बैटरी पावर से है। एक्सेलरेशन अगर इसी में अगर आप सडनली हाई करो दोगे तो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी। हाँ जी, और कभी बैटरी खत्म नहीं होती है इसकी? कैसे वो सेल्फ चार्ज होती रहेगी? अच्छा, चार्ज होती रहेगी ना। अगर सपोज इतनी ऐसी कंडीशन नहीं है कि गाड़ी स्पीड में ज्यादा चले, हाँ, और बैटरी का लेवल डाउन है तो वो फ्यूल पे आ जाएगा। जैसे ही वो दो बार सफिशिएंट चार्ज हो जाएगा तो फ्यूल से कट ऑफ होके वो बैटरी पे आ जाएगा। अभी पेट्रोल पे आई थी ना बीच में। हाँ इधर ही, हाँ आगे में वो बढ़िया से रास्ते पे लेके चलना भैया, ज्यादा थोड़ी टेस्टिंग सही होती है यहाँ पे। तो अभी शोरूम वाले पे तो यही कर सकते हैं, हाँ घर पे करवानी हो तो हम फरीदाबाद रोड की तरफ चलते, क्योंकि शोरूम टेस्ट ड्राइव का तो एक रूट में यहीं से राइट ले लेना, यू टर्न लेंगे आगे से हम एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के आगे से यू टर्न लेके हम वापस आएंगे जो रूट है यहाँ का। आइडिया लग जाएगा बेटा इसमें, है ना, नेक्सॉन से बढ़िया वाली फीलिंग, नेक्सॉन में फील नहीं आ रही। एंड इसके अलावा सर यहाँ पे आपको मोड्स भी मिल जाएंगे। नॉर्मली आपको अगर ऑफ रोडिंग करना है या ओवरटेक करना है, ऑफ रोडिंग है, फोर व्हील ड्राइव है, फोर व्हील ड्राइव नहीं है, बट एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, स्पोर्ट मोड आपको मिल जाएगा, पावर मिल जाती है। हाँ तो बाकी अगर सिटी ड्राइव करनी है हमेशा आप यहाँ पे इको मोड पे ड्राइव करोगे, माइलेज यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, सिटी के लिए तो माइलेज ही है, आगे से लेंगे। ठीक है, वायरलेस चार्जर आपको ये मिल रहा है, हाँ ये चीज़ तो 360 डिग्री कैमरा आपको मिलेगा, बट इसे लोअर वेरियंट में 360 डिग्री कैमरा नहीं होगा। अगर कंपनी क्लेम छोड़ो, जैसे अब जो मेन आपके पास फीडबैक भी आया होगा कस्टमर का, कितनी दे देती है एवरेज? 24 दे रही है। जैसे मैंने YouTube पे वीडियो में देखा तो उसके अंदर तो 18-19 ही दिखा रही है। नहीं 24 के हैं, 26 के भी हैं, 30 के। अच्छा ये ऑटोमेटिक के अंदर 6 स्पीड आ जाता है ना? हाँ 6 स्पीड, और जो इसका मैनुअल है उसके अंदर आपका 5 स्पीड रहेगा, बट ऑटोमेटिक आपके ये सीवीटी ट्रांसमिशन है, ये तो आपका गियरलेस है। हाँ गियरलेस, आपको जी मॉडल है उसमें यहाँ से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी 210 है ना, फॉर्चुनर आपका 225 आता है। अच्छा इसको लोग मिनी फॉर्चुनर कहते हैं। अच्छा भैया वैसे देखो सच्चाई बताना, हाँ ये है तो मारुति ग्रैंड विटारा ही, सच बताना। वही मैं कह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग जो है ये टोयोटा के। देखो मारुति की दो गाड़ियाँ हम सेल करते हैं, एक उनकी बलिनो है जो हमारे पास में ग्लांसा है, एक उनकी अर्टिका है जो हमारे पास में रोमियोन है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग मारुति के अपने प्लांट में होती है। ठीक है, हमारी दो गाड़ियां हैं, मारुति सेल कर रहा है, एक इनविक्टो ही तो कर रहा है मारुति सेल, सिर्फ आपकी गाड़ी ग्रैंड विटारा भी था। हाइब्रिड जो हाइब्रिड इंजन है वो टोयोटा का ही तो है? नहीं नहीं, देखो जो पूरे ओवरऑल पार्ट है वो तो सारे मारुति के ही है इसके अंदर। हाँ। सिर्फ मारुति को सिर्फ टोयोटा वाले बैटरी तो दे रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर में है, ग्रैंड विटारा की भी बेंगलोर में, टोयोटा के प्लांट में गाड़ियां बन रही है।
मारुति के प्लेटफॉर्म पे नहीं बन रही गाड़ी। अच्छा, क्योंकि देखो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स सारे शेयर हो रहे हैं वो सब कुछ मारुति के ही है। ये आप जो ऑटोमेटिक क्लस्टर वगैरह देख रहे हो, म्यूजिक सिस्टम का देख रहे हो, मारुति का ही है। आप स्टीयरिंग आप देख लो, मारुति का ही है। देखो मेरे को जो सुनने में आई है ना कि इसका सिर्फ जो बैटरी पैक है ना वो टोयोटा वाले देते हैं, तो इनका जो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है वो टोयोटा वालों का है। तो लोग यही कह रहे हैं सब कि अगर आपको पेट्रोल में लेनी है, सीएनजी के अंदर लेनी है, तो आप मारुति पे जाओ, और अगर आपको इसका हाइब्रिड मॉडल लेना है तो आप टोयोटा वालों के ऊपर जाओ, क्योंकि टोयोटा वालों की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसके अंदर। नहीं नहीं, एक चीज है, जैसे अगर आप पेट्रोल लेते हैं या फिर आप सीएनजी लेते हैं तो भी मारुति पे क्यों जाते हैं, जब ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आपको महंगी है ना ये वाली। अगर सेम चीज अगर मिल रही है और उसके हम 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा लगता है। ब्रांड वैल्यू बिल्कुल मैटर करेगा। मारुति की भी वारंटी 40,000 किलोमीटर, टोयोटा की भी वारंटी 1 लाख किलोमीटर। आज की डेट में अगर इंडिया के अंदर देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो सर्विस स्टेशन बने हैं वो मारुति की तो है। अगर 100 गाड़ी जिनकी बिक रही है, 100 में से 50 गाड़ी मारुति की होती है। बलेनो से चीपर है सर्विस, फॉर्च्यूनर की सर्विस कितने हो जाती है अगर बेसिक सर्विस अगर देखो 8-10 हजार रुपए वेलफेयर है आपकी डेट करूँ तो मारुति की भी इतने में हो जाती है भैया सर्विस। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, जब सेम प्राइस रेंज में आपको टोयोटा ब्रांडिंग मिलेगा, टोयोटा की सर्विस मिलेगा। आप ये देखो टोयोटा का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा बस ये। अगर आप पैसा एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो उसके अंदर आपको बस इसका एक नाम अच्छा मिल जाएगा, नाम अच्छा मिल जाएगा और सर्विस क्या सर्विस अच्छी मिलेगी। लेकिन सर्विस मारुति की भी बुरी नहीं है, रीसेल वैल्यू अगर नेटवर्क जो देखा जाएगा आपका। नहीं भैया मारुति तो रीसेल में नंबर वन पे है आज की डेट में, या नहीं है? नहीं नहीं कह सकते सर। यार देखो अगर इंडियन उसके प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखोगे, अगर मैं 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, अगर मुझे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे के एक बस एक ब्रांड मिल रहा है बस, तो बात वही आ गई ना। अगर आप हाइब्रिड ले रहे हो तो आप इसके उसके ऊपर ही जाओ। नहीं अगर मैं पेट्रोल भी लूंगा, पेट्रोल भी अगर 20,000 रुपए दे के मुझे अगर टोयोटा ब्रांडिंग मिलेगा अलग ऑफर है। अभी इस टाइम पूरी बैटरी पे चल रही है, बैटरी पे 49 की स्पीड सही है फिर तो 49 पे बैटरी पे रहेगी। हाँ, स्पीड क्या अगर हम रेस छोड़ देते हैं तो ये देखो जैसे हमने रेस दी तो फिर ये हाँ बैटरी और पेट्रोल दोनों पे चलेंगे कंबाइंड पावर कंबाइंड। सो टोटली सेंसर बेस्ड कार है, ईसीएम सेंस करेगा जहाँ पे इंजन को पावर के रिक्वायरमेंट लगेगा वो फ्यूल मोड का रहेगा। ठीक है, पैनोरमिक सनरूफ है यहाँ पे, जस्ट 1 टन है। सो लेकिन ये कपड़ा बहुत लाइट है, कपड़ा लाइट है। ये हमने भी अपने फीडबैक डाले हैं कि लाइक जैसे थोड़ा शेड है, डार्क होना चाहिए क्योंकि सनलाइट यहाँ पे ज़्यादा है। एंड यहाँ पे रूफ है कम्प्लीटली ओपन होती है, इसकी सनरूफ पीछे तक जाती है। ये आपका नाइस है, इसका प्लस पॉइंट। फीचर वाइज तो और पावर मेरे को तो बढ़िया लगा, पावर वाइज भी अच्छी है। कंबाइंड पावर यहाँ पे यूज हो रही है तो अंडर पावर आपको कहीं पे नहीं लगेगा क्योंकि बैटरी की पावर भी मिल रही है ना हमें। हाँ जी, अगर सिर्फ पेट्रोल की पावर होती तो फिर शायद वो थोड़ा बहुत फर्क है। 51-52 की स्पीड नेक्स्ट वन की तरह ऐसा पता नहीं लग रहा ना गियर वगैरह उसका। नहीं, गियर बहुत स्मूथ है, बाकी साइलेंट गियर के अंदर कोई लैग नहीं, सीवीटी ट्रांसमिशन है, लैग आएगा भी नहीं। ये गाड़ी तो पसंद आई यार। इसकी फील है बढ़िया। फिर ये महंगी भी तो है उससे। किसे? ग्रैंड विटारा? नहीं नहीं, ग्रैंड विटारा से तो ये महंगी ही रहेगी हमेशा। नहीं, हाइब्रिड सस्ती है। हाँ, अगर इसका बेस मॉडल लेते हो, इसमें ये प्लस पॉइंट है कि आप इसका एस वेरिएंट इसका सस्ता पड़ जाता है, उसमें नहीं आता वो एस वेरिएंट। ग्रैंड विटारा में नहीं आता है ना। हाँ, किसी को स्पेशल हाइब्रिड पर ही जाना है और भी कम से कम प्राइस में चाहिए तो फिर उस पर तो टोयोटा के पास ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जैसे एक चीज है, इनोवा हाईक्रॉस वेटिंग पे है, 1 साल का 1.5 साल का 2 साल का टॉप वेरिएंट की बुकिंग जस्ट अभी इस महीने से ओपन हुई है, अदरवाइज 8th of April से बुकिंग क्लोज थी। ठीक है, यही एज इट इज कार मारुति भी सेल कर रहा है इनविक्टो के नाम से, जबकि इनविक्टो आपको 2-3 महीने में मिल रही थी वही कार। बट कस्टमर रिव्यू क्या है कि जब 35 लाख रुपए वो मारुति के साथ नहीं जाना चाहिए। ये बात आ जाती है। देखो मेरा मानना तो ये है कि इनविक्टो इनोवा ही है तो आप इनोवा ही लो। ठीक है, अब आप शायद बुरा मान जाओगे। बलिनो है तो बलिनो लो, ग्लेंजा क्यों ले रहे हो एक्स्ट्रा पैसे देके? अब आप ये चीज भी तो समझो, हमें तो रास्ता नहीं मिल रहा ना थोड़ा चलाने के लिए, वरना
वरना हम इसकी पावर जानना चाहते हैं कितनी जा सकती है, हाई स्पीड कितनी जाएगी है। मैंने ग्रैंड विटारा तो 180 चलाई है, 180 के आगे नहीं जाती हूँ। हाँ उतना ही जाएगा, 180 ये जाएगी, उतना ही जाएगा। सेम ट्रांसमिशन ही यूज़ हो रहा है, ओनली कॉस्मेटिक लुक्स का ही डिफरेंस आता है। मेरे को अभी तक ऐसी कोई कमी लगी नहीं अभी इसके अंदर। और हाइब्रिड के सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो टोयोटा ही बेस्ट है, मेरा पॉइंट तो यही है। स्टीयरिंग फीडबैक भी अच्छा है इसका, लेकिन वही है मारुति वाला सिस्टम है। हाँ, वो चीज़ तो आएगी आएगी इसमें से, बिल्कुल। इधर स्टीयरिंग करते हैं तो बॉडी पे भी काम किया गया टोयोटा ने इससे, बॉडी तो सेम ही है मारुति की और इसकी सेम है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग वही है, ये टोयोटा के प्लांट में ही बन रही है, बेंगलोर में गाड़ियाँ बनती है मारुति की भी और इनकी भी। हाँ, दोनों जी। तो मतलब हम ग्रैंड विटारा को भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी कह सकते हैं उसकी, बिल्कुल कह सकते हैं, सेम गाड़ी है, 98% सेम है, ओनली कॉस्मेटिक लुक्स का, बाकी सर्विस का ये लगता है। यहाँ पे 360 बाकी वाइड एंगल है, कैमरा की क्वालिटी ठीक ठाक ही है, ज्यादा अच्छी नहीं है ये ओवरऑल ग्राफिकल। यहाँ पे अब ये फ्रंट हो रहा है, जो ये साइड प्रोफाइल दिखा रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड। गाड़ी लेकिन शांत है बिल्कुल। तो भाई फाइनली टेस्ट ड्राइव तो ले ली हमने हाई राइडर की, भाई कैसी लगी गाड़ी? भाई गाड़ी एक नंबर की है ना। हाँ, मस्त भाई। देखो अभी हम जैसे हाई राइडर चला के आए अपने नेक्सॉन के बाद, तो बहुत फर्क नजर आया। और सबसे मेन चीज क्या है कि वो हाइब्रिड है ना, तो एक तो उसकी एवरेज बहुत बढ़िया है, दूसरी बात भाई गाड़ी इतनी ज्यादा साइलेंट है, मतलब कि जैसे आप एक ईवी गाड़ी चला रहे हो ना, उस तरीके से पूरी के पूरा सिस्टम है उस गाड़ी के अंदर। 40 से नीचे अपना बैटरी पे रहती है, बढ़िया माइलेज वगैरह, तो इसका तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लेकिन भाई अभी इस सेगमेंट की रानी बाकी है, वो कौन भाई? देखो किया सेल्टोस और क्रेटा, ये दोनों भाई गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं इस सेगमेंट के अंदर, तो उनको भी चलाकर देखते हैं और उनके अंदर से फिर ओवरऑल पूरा डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई कौन सी गाड़ी हमारे लिए बनी है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो के साथ जुड़े रहना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली गाड़ी आपको दिखाएंगे और फिर कंक्लूजन पर आएंगे कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय भोलेनाथ।